जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में फेयर एंड लवली एडवांस्ड मल्टीविटामिन। यूरोप फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। स्पेन के शहर बार्सिलोना में कार ने राहगीरों को कुचल दिया, 13 अफराद हलाक, कई जख्मी, हमलावर फरार, एक गिरफ्तार। लॉस रैम्ब्लॉस में दो दहशतगर्दों ने रेस्टोरेंट में मुतादिद अफराद यरगमाल बना लिए। मेट्रो और ट्रेन स्टेशन बंद। अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ, हसन और हुसैन आज नैब रावलपिंडी ने तलब कर लिया। नवाज शरीफ को नैब का नोटिस मौसूल नहीं हुआ। परवेज रशीद की 24 न्यूज से गुफ्तगु। तमाम फौजी सरबराहान से लड़ाई का तासुर दुरुस्त नहीं। इदारों का तसादुम रोकना सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं। वोट के तकद्दस की मुहिम जारी रहेगी, नवाज शरीफ का इंटरव्यू। सरदार याकूब नासिर मुस्लिम लीग नून के कायम मकायम सदर मुंतखब। पार्टी की मजलिस आमिला ने तौसीक कर दी। एतमाद में ना लेने पर चौधरी निसार का एतराज। आसिफ अली जरदारी की बड़ी पेशगोई, नवाज फैमिली की सियासत खत्म हो गई, मियां साहब से मुलाकात हुई है ना हो सकती है, साबिक सदर का वाज़े पैगाम। हम अपनी सियासत करेंगे, हुकूमत का साथ नहीं देंगे, बिलावल भुट्टो का बड़ा ऐलान। मजीद कहा, शरीफ खानदान को पीपल्स पार्टी से किसी रिलीफ की तवक्को है तो ये मुमकिन नहीं। ऑपोजिशन लीडर को अगले चेयरमैन नैब के लिए गैर मुतनाज़े शख्स की तलाश। खुर्शीद शाह कहते हैं मुमकिन नहीं, अदालत फैसला दे और सियासी जमातें मुज़ाकरात करें। NA 120 में कुलसूम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर। क्या कुलसूम नवाज लंदन से लाहौर के इलेक्शन लड़ेंगी? साबिक खातून अव्वल लंदन चली गयी, वापसी 23 सितम्बर को होगी। कौमी असेंबली में रजिया सुल्ताना मुखालिफीन से निमटने आ गई। आयशा गुलालई पगड़ी पहनकर पहुंच गईं। कहती हैं इमरान खान चेयरमैन होकर भी नौजवानों से हसद करता है। कराची में मुस्लिम लीग काफ का वर्कर्स कन्वेंशन। चौधरी शुजात कहते हैं नवाज शरीफ अवाम को अदालतों के खिलाफ उकसा रहे हैं, नैब रेफरेंस में सब कुछ जाहिर हो जाएगा। इंतहाई काबिल और बाहिम्मत पाकिस्तानी नौजवान ही मुल्क का मुस्तकबिल हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा ISPR के मौके पर इजहार ख्याल। अगस्त पर परचम की तौहीन किसने की? मुस्तफा कमाल ने कहा बानी के कहने पर MQM ने यौमे सयाह मनाया, मुट्ठी भर गुमराह लोगों की हरकत थी, फारूक सत्तार का रद्द अमल। अमन कायम हो गया लेकिन कराची वालों की हालत नहीं बदली। दुनिया के 140 शहरों में कराची का नंबर 134वां, 3 साल पहले भी यही पोजीशन थी। कराची फिरोजाबाद में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद रहमतुल्ला ने डाकुओं को रुकने का इशारा किया तो फायरिंग कर दी। कराची में बहादुर नौजवान ने डाकू को भगा दिया, लूटमार के दौरान गन निकालने पर डाकू कांपती टांगों के साथ फरार, CCTV फुटेज मिल गई। कराची में निजी स्कूल माफिया ने महकमे तालीम के अहकाम हवा में उड़ा दिए, फीसों में खुद इजाफा करके वालिदैन को भी परेशान कर दिया। बिग बैन का सहर बरकरार रहना चाहिए। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने 4 साल के लिए घड़ियाल की बंदिश का फैसला मुस्तरद कर दिया। ट्रेजर में भी नाराज। कौन है ये बटला? अपन छोटा डॉन। महंगाई ने सुनते इब्राहिमी की अदायगी मुश्किल बना दी। शहरियों के मवेशी मंडियों में विंडो शॉपिंग,
कराची की मंडी में छोटा डॉन आ गया, मिजाज गरम, खतरनाक भरम। साल का बेहतरीन फुटबॉलर कौन? रोनाल्डो, मेसी और नेमार में सख्त मुकाबला। फीफा ने 24 खिलाड़ियों के नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए। ऐलान 23 अक्टूबर को लंदन में होगा। हस्दवाजी मसाइल पर बेलारूस की टेनिस स्टार विक्टोरिया अज़ारेंका यूएस ओपन से दस्तबरदार। अलहदगी के बाइस बच्चे की हवालगी के लिए अदालती कार्रवाई में मसरूफ। रूहानी, बाबा जी, आमिर और फरियाल की शादी बचाने के लिए सरगर्म। बॉक्सर की पीर साकिब शामी से मुलाकात। पीर साहब की फरियाल से भी फोन पर गुफ्तगू।